गर्मियों में तो अक्सर पानी की समस्या देखी जाती है, लेकिन सर्दियों में भी लोगों को पानी की समस्या आ रही है। तहसील सुरनकोट के पोठा लोहर की वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 के लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और लोगों का मानना है कि पिछले कई महीनों से लगातार पानी की समस्या आ रही है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने मांग की कि अगर जल्द हमारी पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और जम्मू पूंछ हाईवे को जाम कर देंगे। वहीं लोगों का मानना है कि हमने कितनी बार जल शक्ति डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की, लेकिन आज तक किसी ने हमारी परेशानी को दूर नहीं किया। पेश है सुरनकोट से आज़ाद मलिक की ये रिपोर्ट। ये 15 दिन से हो गया कि हमें पानी बंद किया है, हमारे को कोई पानी नहीं दे रहे, और सुपरवाइज़र से जब बात करते हैं सुपरवाइज़र आगे से बदतमीजी करता है और वो हमें पानी नहीं देता। हमारी यही अपील है कि सुपरवाइज़र को यहाँ से चेंज किया जाए। 30 साल हो गए यहाँ एक ही जगह में ड्यूटी कर रहा है। जब हम बोलते हैं हमारी पाइपें मंजूर हुई थी, हमारी पाइपें यहाँ से नहीं लगवाई गई और दूसरी जगह में लगवा गई पाइपें। जब भी हम बोलते हैं एक्शन को भी हमने बोला, यही सबको हमने बोला कि हमें पानी की दिक्कत है, हमारी कर रहा है, हमें लिहाजा यही अपील करते हैं, हमें पानी चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो यहाँ से इसको के लिए जाल कर रहे हैं। जो है इनका ये मांग है कि जो है यहाँ जो है सुपरवाइज़र, इनकी सबसे बड़ी मांग है कि सुपरवाइज़र को जो है यहाँ से चेंज किया जाए, क्योंकि सुपरवाइज़र जो है यहाँ पे जो लगाया गया है रियासत मोहम्मद रियासत, ये जो है 30 साल से एक ही स्टेशन पे यहाँ पे जो है पोठा में एक ही स्टेशन में ये ड्यूटी कर रहा है। मैं इंतजाम से गुजारिश करूँगा कि जो है इसी इसको जो है 30 साल से ये कौन सा कानून है कि एक ही जो है ये स्टेशन पे ये 30 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है और एक 30 साल से यहाँ पे ये जो है लोगों का खून चूस रहा है। यहाँ पर 15 दिन हो गए, पानी इस महिला को बिल्कुल भी नहीं है, परले महल को भी पानी नहीं है, बिल्कुल पाइपें तोड़ के रखी हुई है और जो है पाइपें जहाँ जल ये जो लोग जो है चश्मे से पानी लाते हैं, जो है आप देख सकते हैं जो है इनको, इनसे आपने खुद बात भी किया है, ये जो है पानी चश्मों से लाते हैं और जो है हैंडपम्प जो पे है वहाँ भी जो है हैंडपम्प बिल्कुल जो है जब किराया गवर्नमेंट मांगने आती है किराया दिया जाता है। जब मैंने कितनी बार महकमे को भी बोला है, इलेक्शन डी साहब को भी बोला गया है, यही साहब आए हैं 2 बार यहाँ पर मौका पर, कोई मसला हल नहीं हुआ। और ये मैं हम जो है इनसे ये अपील करूँगा, मैं इन लोगों की फसल से, मैं सबका सरपंच भी हूँ, मैं यही अपील करूँगा कि लोगों को पानी दिया जाए और जो है यहाँ से जो सुपरवाइजर है इसको यहाँ से चेंज किया जाए। जब तक इसको चेंज नहीं करोगे, कोठा वाले गाँव वाले पानी सही तरीके से नहीं पी सकते।